तो नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल वाई संदीप। दोस्तों, ये गाड़ी है, इसमें क्या है कि सुबह में जब हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक को और क्लच पूरी दबा के जैसे गियर इसमें डालते हैं तो गाड़ी कूद जाती है थोड़ी सी। तो ये समस्या कहाँ से आती है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा दें, ये तो थोड़ी दूर चल चुकी है तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कैसे करते हैं बता दें, जैसे मान लीजिए ये क्लच गियर हमने लगा दिया तो इसमें तो नहीं कर रही है, लेकिन क्या होती है कि प्रॉब्लम ऐसे करती है, यानी किसी तरह टोटल प्रॉब्लम करती है, गाड़ी इतना दूर झटका ले लेती है। ठीक, तो आइए हम इसका प्रॉब्लम बताते हैं। इधर आओ, देखिए क्लच साइड हमारी सारी टोटल फॉल्ट होती है। फॉल्ट कैसी होती है कि ये चल रहा है ठंडी का सीजन और अक्सर ठंडी के सीजन में ही ये प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती है हम बता रहे हैं, जब हम सर्विस कराते हैं तो सर्विस जो हमारे मिस्त्री साहब होते हैं इसमें 10-30 की जगह 10-40 का ऑयल डालते हैं ठंडी में, तो 10-40 का ऑयल 20-40 जो होती है 20-40 का ऑयल डालते हैं, 20-40 का ऑयल जो होती है वो लगभग 75% बाइकों में सक्सेसफुल चलती है। वो बाइक कौन सी होती है, जो बाइक ज़्यादा दूर चलने वाली हो, जैसे एक दिन में 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रनिंग करने वाली बाइक हो, और दूसरी बात जो बाइक मतलब स्पीड में चलते हैं लोग, जैसे कि 50 से 60-70 ये वाली स्पीड अगर जिस बाइक में होती है तो उस बाइक में मोबिल क्या होती है, जो 20-40 की मोबिल होती है वो जल्दी से पतली होकर पूरी इंजन में फैल जाती है, जिससे क्या होती है हमारी क्लच प्लेट जो ऐसे चिपकी रहती है स्मूथली छोड़ने वाली हो जाती है। और समस्या उस गाड़ी में आती है जिस गाड़ी में जो 5 किलोमीटर हो गई, जैसे बहुत लोग होते हैं अपने दुकान से घर से दुकान पर जाते हैं तो वो गाड़ी ज़्यादा कम चलती है, यानी दुकान पे गए फिर बाइक खड़ी कर दिए, फिर घर पे आए बाइक खड़ी कर दिए, तो उस बाइक की मोबिल पतली ना हो पाने के कारण क्लच प्लेट को पूरी तरह से फैला नहीं पाती, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी बाइक में ये वाली झटके वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ बाइक ऐसी होती है जिसमें क्लच प्लेट जैसे हमारी हो गई डिस्कवर 110 सीसी, पल्सर 150 सीसी में अगर हम जैसे कि जो हैवी सीसी बाइक उसमें हम इसमें क्लच लेके आके पीछे करते तो भी दिक्कत करती है, सुबह में ऐसी थोड़ी बहुत झटके की समस्या आ जाती है। ठीक, तो अब देखिए जैसे क्या होता है कि जब वो वाली गाड़ी होती है V6 बाइक में आप देखे होंगे कि जैसे हम सुबह के टाइम में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं उसका RPM हाई हो जाती है। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी RPM हाई क्यों देती है, उसको तो ऐसा भी होना चाहिए कि जब स्टार्ट है तुरंत तो उसका RPM लो होना चाहिए, लेकिन उस समय तक हाई रहती है, लगभग आधा मिनट तक तो हाई रहती है वो। तो इसमें क्या है कि वो फीचर जो दिया गया है इसीलिए दिया गया ताकि इंजन जब RPM हाई रहे तो हाई RPM जल्दी से क्या करे मोबिल को कवर कर ले। उसमें ये भी ये होता है ना कि जैसे कि जब हम स्टार्ट करते हैं RPM हाई रहती है, जब तक इंजन गर्म नहीं तब तक RPM उसकी डाउन नहीं होती है, जब उसकी RPM डाउन हुई तब हम चलना शुरू कर देते हैं, उस सिचुएशन में क्या होती है कि हमारी बाइक की जो मोबिल होती है वो पूरी तरह से पतली हो जाती है, जिससे हमारी ये वाली भी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो टोटल देखिए ये सिस्टम समझने की बात होती है, सिस्टम जो सारा दिया होता है आप इसमें मान लीजिए मैनुअल कर सकते, इसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है, V6 में ऑटोमेटिक है और इसमें क्या होती है मैनुअल दे दी गई होती है, तो यही प्रक्रिया इसमें भी सेम करना। इसमें मान लीजिए मैनुअल है तो हम अपने हाथों से ही कर सकते हैं, तो सेम प्रक्रिया जो V6 में होती है वही इसमें करेंगे तो ये वाली फॉल्ट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दें। फिर उसके बाद क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम बाइक सुबह खड़ी कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जैसे मान लीजिए बाइक स्टार्ट किए, ऐसे बाइक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे बाइक स्टार्ट हुई हल्की हल्की रेस से, लगभग ऐसे हल्की हल्की रेस करके थोड़ी नज़दीक आओ, हल्की हल्की रेस ऐसे करके चलाएंगे। ठीक है, उसको कुछ समय तक ऐसे पूरा फुल थ्रोटल दे देंगे, लगभग 1 मिनट ये प्रक्रिया करें तो क्या होती है कि इंजन जब हल्की गर्म होती है तो मोबिल को थोड़ा सा पतला कर देती है। ठीक है, इससे हमारी लगभग 90% तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह हमें रेगुलर करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको पता है कि हम ज़्यादा कम दूरी चलने वाले हैं तो ठंडी में 10-30 की मोबिल ही यूज कीजिए, इससे क्या होगी हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास काफ़ी समय से आ रही थी तो हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना लेते हैं कि जिनको नहीं पता होगा ये काम करवा लेंगे तो उनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर वीडियो में ज़रा से भी अगर अच्छी बात लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।